एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे अंकों से पता चल रहा होगा कि मैं सोया नहीं हूँ, और आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं खूबसूरत सा ट्रिप, जा रहा हूँ आप तोफा को पिकअप करने और अपनी सास को पिकअप करने। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 15 मिनट कम 6, तो अभी जल्दी से जाके उनको पिकअप कर दे क्योंकि लेट हो रहा है। पहले से ही वहाँ पर और भी इन्फ्लुएंसर्स इंतज़ार कर रहे हैं मुझे लग रहा है वो लोग तो अभी तक उठे भी नहीं होंगे, लेकिन हमने जल्दी जल्दी, हमें क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया था तो हमने कहा जल्दी जल्दी जाना है, तो इसी वजह से भी हम पहुँच गए। मुझे लग रहा है तूफान ने भी इतने सारे चीज़ें लिए होंगे, बैग इतना भरा होगा क्योंकि मेगा वेगा इतने सारी चीज़ें इनके होती है। क्या बोले, अगर तुम ये ब्लॉग देखो तूफान, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना तुम, ओके बाद में कुछ बोलो। तो अभी हम लश्कर हो चुके हैं तैयार, फुल करारे लश्कर। सुबह के 6 बजे सुबह के 6 बजे और ये आके ये बैग लेके बैठे हुए हैं। मेरा दो बैग, एक ये वाला बैग, हाँ एक ये मामा का बैग, एक ये बैग, एक ये बैग। मैं बैग नहीं हूँ, हम जा कर रहे हैं। बताया आपने कैप्शन, क्या बताऊँ, कैप्शन पढ़ा होगा ना। ओके गाइस, मिलते हैं के बाद। चलो तूफा उतरो, चलो गाड़ी आ गई, ये रहा गाड़ी आ गई। चलो सामान वामान लेते हैं कि बहुत ही सारा, मैं तो सारा सामान कहाँ से उठाऊँ, मैं भी यार इंसान हूँ। एक दो एक वो आगे, तीन बैग है। कश्यप वहाँ पे गप्पे शप्पे लगा रही है और उनको ख्याल नहीं है और इनको भी ख्याल नहीं है। चलो मैं बैग उठाता हूँ मुझे ना। तो हम आ चुके हैं कबाब जी यहाँ पे नाश्ते के लिए। इब्राहिम, ये मेरी अम्मा है और ये कश्यप है, ये कश्यप की अम्मा है। मौसम हसीन हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है और आप और आपकी बहन यहाँ पे है मौजूद। ये उनसे हमारे नाश्ता करने, काफ़ी टाइम बाद हम किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, अदरवाइज हम पर्सनल में ही जाते हैं ना। इब्राहिम, इब्राहिम का मूड ऑफ है, इब्राहिम को सीट नहीं मिली थी इट्स फाइन, कभी कभी होता है। और जी गाइस बताइए क्या हो रहा है, यहाँ खवातीन का रश लगा हुआ है। इनका जो है फ़ोन गायब हो चुका है, सब फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पता चला तो इब्राहिम को गया। ओके जी, मैंने कहा मेरी औलाद का है, आंखों से ही लग रहा है तुम्हारे, तुम सो ही नहीं हो। मेरा भी ऐसा है ना। अभी हम जाने वाले इस गाड़ी में ओएस ट्रेवल एंड की तरफ से। ये देखो मैंने सिर्फ ये लिया, मेरे बेगम ने अभी से इतना लिया और अभी तक ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुआ। और क्या क्या लेना है इधर आओ, मैं कह रहा हूँ ये ना तुमने ये भी ले लेना बिस्कुट, फिर आपको ना अगर नाश्ते में कुछ इस तरह नहीं मिले तो आप खा सकती हो। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, मैंने ले लिया ना, वो 4-5 लिया मैंने, एक और लिया। हाँ वही कह रहा हूँ ना, ये तो बहुत ही महंगा हो गया। चलो जल्दी जल्दी लो, 5 से अब आ रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन अभी तक जा नहीं सके। जल्दी जल्दी लो कोकोमो, कोकोमो यू वांट कोकोमो, नो ओके। हम आ गए अगली गाड़ी में शिफ्ट, हम इस वाली गाड़ी में शिफ्ट हो गए। चार्ज कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? तूफा बरीदा, बरीदा कशाफ पीछे तूफा इधर देख लो इधर ये लोग बैग ये देखो ये लोग कितना हाँ ना, हम लोग ही यही खुआर होते रहेंगे ना। बस ना मुझे ज्यादा गुस्सा है, इन लोग की टांगों पे सीट सीधी कर दूंगी। मेरी बात सुने, भले कहा जंगल है सर्दी से बची हुई आके, लेकिन ये लाते मार के मत उतारे। चलो भाई साहब आ गए, चलो आवेश भाई चलते हैं, देर हो रही है, फिर बन रही है। मैं खाना वाना नहीं पकाऊंगी। और ये गाड़ी अपनी
सारे खाने वाने पका के शादियों के डिस्कशन चल रहे हैं जो है ना बहुत कम कर पाती हमने कर जाती मेरी बेटी को घर नहीं कर पाती क्योंकि एक तो हमारी छोटी फैमिली है मैं खुद भी ऐसी था कि मैं बड़ी फैमिली में नहीं जा सकती और बाकी नसीबों का मेरे घर में दावतें होती हैं बड़ी बड़ी मेरी कोशिश है छोटी फैमिली में एक ही भाई है इसका और अच्छा है सीधा साधा सा बच्चा है वालदा भी इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है वालदा सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं उनकी जब हमारी लड़ाई होगी ना वो अपनी जबान में लड़ेंगे मैं अपनी जबान में लड़ूंगी ये चीज़ है ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है पठानी बोल पठानी बोल नहीं पछता आती है उन्हें बस लेकिन बहुत अच्छी है लड़ने वाली नहीं है जो बात है इब्राहिम की तरह है सेम इब्राहिम की तरह बिल्कुल इब्राहिम की तरह सीधी सादी सी है बहुत अच्छी मेरी उनकी नहीं लड़ाई होगी तारीफ हो रही है सारे से शक्ल दिखा रहा है इब्राहिम के पीछे बोल में बहुत लड़कियां थी अच्छा हाँ और वाकई में थी लड़कियां पीछे लेकिन इब्राहिम शुरू से बहुत सीधा लेकिन अभी अतूफा ही बता सकती है कितना नहीं 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 ये बात सही है सीधा साधा था जो बात है बहुत तारीफ चल रही है थोड़ा थोड़ा सा सो है पर एक लड़की है जो के पता नहीं कितने लाश की तरह पड़ी हुई कितना सोई बहन उठ जा उठ के मुंह पे दो तक्के भी कौन गए सवाद कौन गए कशाप उठी ही नहीं रही है सवाद में कशाप सवाद बर्फबारी हो रही है देखो हमारे अबे कैसे नाटक ऐसा अभी हम रुके हैं यहाँ पे खाने के लिए और वेदर माशाल्लाह हसीन तरीन हो रहा है तो यहाँ पे है खाना एंट्री प्लेट निकाल रही है ये रहा हमारा पुलाव जो लेकर आई है पता नहीं कशप आंटी किसने बनाया सच सच बताया सच बताऊं हाँ सही से मारे सही से मारे और हम लेकर आए चिकन कढ़ाई वो अभी हम खाते हैं और देखते हैं क्या दिखाओ कशप ब्रांड में तुम सीन लग रही है बहुत झूठ बोला ये आपने चलो अम्मा चलो 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 मजाक उड़ा लाशित पे अब इस भाई को गुस्सा आ गया भाई ये लोग यहीं पर ब्लॉग बना रहे हैं खाना वाना तो ले लिया है हमारी गाड़ियों पर बारिश हो रही है मुसलसल और हमारे जो बैग्स है ना अल्लाह ही रहे और इसमें है ये क्या है ये आलू ये कीमा मिर्चा अच्छा अभी कुछ देर पहले आपने क्या बोला सारी प्राइम बाटा कंटेंट में दे सकते ओके ओके चलो मजा आ रहा है आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बहुत ज्यादा और किसके साथ आई है अच्छा इब्राहिम अलग चीज है ये सबके लिए कॉफी बनाते हुए मैं तो पीती भी नहीं हूँ बना रहा हूँ ऑन ड्यूटी घरेलू माहौल है का इन्होंने भी पी है और इन्होंने भी पी है अब इनको नन्नू आ जाएगी है ना ओ जल्दी जल्दी बनाओ सब वेट कर रहे हैं कॉफी का आपकी बना रहा गाइस फाइनली हम पहुंच गए कहां पे पहुंचे हम इस्लामाबाद पहुंच गए और अतूफा क्या बना आज आपको मैं एक राज बताता हूँ सब बगैर में कभी ये देखो सुबह सर्दी हो रही है अरे सर्दी भी नहीं हो रही है पता नहीं क्यों नहीं हो रही और ही बस ऐसी कह रहा हूँ ये सफर आपको कैसा लगा इतना लंबा सफर निकल अरे क्यों यार साबल बाद में बताऊं हां फट गई शाबाश बेटा
ये क्या डे 2। तो अब सुबह हो चुकी है, रात को हम इतना थके हुए थे कि हम आए जल्दी जल्दी और हमने बस आके सो गए। तो ये हमारा रूम है, ये बाद में दिखाएंगे, ये मैं हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ लाश पाश, और ये है ब्राहिम का लाइटिंग। हमें तो अभी बहुत कहेंगे मैंने, और देखते हैं सब तैयार हुए या नहीं। ओके गाइस, तो हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने। अब नाश्ता, सॉरी खाने का टाइम इस लड़की ने पूरे 2.5 घंटे लगाए। बस कर दो, तुम लोग बड़ा जल्दी तैयार हो गए थे। अब इस भाई आप गवाह है ना, गवाह है। 3 घंटे लगाए। और ये जनाब, इनको तो हम 12:30 बजे से उठे थे, हमें पानी ना 2 बजे मिला। तो नाश्ता करने जा रहे हैं, वेदर भी बदल चुका। A few moments later. आ गए कौन से एक रेस्टोरेंट पे आ गए, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारे अवेश भाई है। इन्होंने बाई रोड कितने मुल्क आपने ट्रेवल किए? यहाँ पर तो लिखा हुआ है 3, लेकिन यहाँ पर तो 60 डेज और कितना 20,000 किलोमीटर लिखा हुआ है ना। हाँ, तो मतलब अभी तक 3 किया हुआ है, लेकिन अभी आगे का भी प्लान है आपके। 3 करना भी मुझे लगता है कि बहुत है। हाँ, सेम टू यू। ये यहाँ का स्पेशल पुलाव है, रायता और सैली सब आ चुके हैं। आप थोड़ी देर चुप करेंगे, रख दो। इसको कहते हैं कबाब, और इसको ये रहा हमारा, बाकी सबका भी आ गया। तो जी गाइस, तो हमने ले ली है यहाँ पे आइसक्रीम। आई डोंट नो यहाँ की आइसक्रीम कैसी है। मैंने कुल्फा, मम्मा ने पिस्ताचू लिए और कश्यप ने मैंगो लिया। ये भी हम वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी से दे दो। ये इसकी मैंगो आ गई, मेरी कुल्फा और एक पिस्ता है। यस, 1-1 इसको। थैंक यू, घर में ली नहीं आइसक्रीम, पता नहीं कैसी हो गई। फाइनली हम आ गए। ये एक 500 साल पुरानी विलेज है, गांव है, और डिटेल्स आपको अवेश भाई बता देगा। अवेश भाई आप बताएं कौन सी जगह है ये? सैदीपुर विलेज है। सैदीपुर विलेज 500 साल पुराना है, जिसको जहांगीर बादशाह मुगलों का जो था, उसने अपने सिपह सलार को ये हदिया की है पूरी जगह। अच्छा, और उसी के बेटी से उसने शादी भी कर ली, समझे, इनका वो फिर दामाद हो गया। अच्छा, दामाद हो गया। ओके, मुझे बता दी थी। अच्छा, आप भी बताएं। सब बता दिया, छोड़ो। अच्छा, आप भी बताओ। तूफान ने सब याद किया था। क्या बता, 500 साल पुरानी विलेज, और वो भी था, दामाद भी था, उन्होंने इतना खुश हुआ कि बेटी दे दी। अच्छा, ये बात है, अब तो कोई नहीं देता ऐसे आसानी से। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। अच्छा, ओ आपने तो बड़ी अच्छी बात कही। ये सर्दी हो रही है, चलो अभी रहो, समरल अभी रहो। ये आपस में अरबी बोल रहे होते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को ट्रिप पे जाना हो तो ये अवेश भाई का नंबर है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। पाकिस्तान टू तुर्की बाई रोड, और भी बहुत सारी कंट्रीज। चलिए आओ गाइस, दुल्हन दुल्हन के यहाँ शूट चल रहा है। हमारे कराची में भी है ना महत्ता पैलेस इब्राहिम, वो भी इसी तरह का है, पुरानी सी वादियों का प्रॉपर शूट हो रहा है गाइस। और बहुत सर्दी है, रात की बहन फुल फैशन में चल रही है, और वहाँ भी शूट है। अच्छा गाइस, ये हमारा है महत्ता पैलेस, अंदर से ये मंदिर है क्या, यहाँ पे मुसलसल शूट चल रहा है। अब मुझे नहीं पता हम यहाँ अंदर जा सकते हैं या नहीं, ये तो बंद है, डोर्स हैं खाली। सो ये काफ़ी पुराना काम हुआ है यहाँ, एज यू कैन सी। बाकी ये शूट्स पे शूट्स चल रहे हैं।
धर्मशाला देखने। ये तो हमने देख लिया काम वाम। चलो चलो चलो, सब 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 है सबसे पीछे। ओके शुक्रिया। हाँ जी बताइए बताइए। ये मेंटेन ये क्या है? धर्मशाला धर्मशाला ये पुराना है। ये जो है ना ये धर्मशाला थी मुसाफर खाना सराय हॉस्टल 47 के बाद विलेज का वो बन गया था स्कूल। स्कूल में ये प्रिंसिपल रूम था, बीच में ये पार्टीशन हुई थी, वो क्लासरूम था, स्टाफ रूम था और उसको हो गया तो 500 साल पुरानी। फिर उसके बाद 47 के बाद ये स्कूल बना है। 2005 का स्कूल है, 53 साल की स्कूल है। मेरे दादा वालिद और मैं इस स्कूल में पढ़े। मेरे दादा 5 साल के वालिद 8वीं मैं इधर स्कूल। ये स्कूल 2005 से नीचे शिफ्ट हो गया लशारी साहब ने नया स्कूल बनाया। यहाँ की हिस्ट्री है जो कि इन्होंने 70 पे लगा दी थी, कितनी पुरानी है। अभी हम जा रहे हैं, ये कौन सी जगह है भाई? क्या था आप जरा बताइए। सिंधु का गुरुद्वारा था, फिर पंडित होगा विलेज का पोस्ट ऑफिस बन गया था। हां सर ये बंद ऐसे पड़ा है। ये देखिए दादा देवी जी का शर्ट बड़ा शब्द रहा। 170 पे दिए इसने बाबू भगवान दास जी और उनके बच्चे ने लगा भगत सिंह वाला लगा है। ये क्या है? ये नीचे से गया है टोपी आ रहा है। उसकी स्टोरी है, एक बंदा डेली रेलवे स्टेशन जाता था, उधर ट्रेन देख के आता था, वापस आकर उसको बनाता था। जब उसने बना ली अंग्रेज को पता लगा, अंग्रेज ने उसको जेल में डाल दिया, फिर पीर मेहंदी शाह साहब बोलने वाले ने उसको छुड़ाया। अच्छा जी, इतना रश हो रहा है, जगह ही नहीं है हमारी, जगह ही नहीं है। बात सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। बताओ। ये एक गांव था और यहाँ पे मर गए सब, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में रखे। ये सच में बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मर गए सब, अब सब इंसान रह रहे, जानवर भी एक ना एक कुत्ता घूम रहा था वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा क्या? और वो बंदा भी कैसा बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना क्या बोल रहा है। पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है, लोगों ने नंबर भी लिखे हैं। अच्छा बात सुनो, कल जो बता रहे हैं जरा किस में से पानी आता है, कब कब आता है पानी? टाइमिंग है पानी की, जुम्मा जुम्मा आता है पानी। कितने घंटे? अच्छा रात में लेट नाइट आता है, जागना पड़ता है। चलो भाई आ जाओ। मोटर के बगैर तो बिल्कुल। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और थोड़ा आराम आराम करेंगे। ये गए कैसे थे और आए कैसे, ये स्वेटर स्वेटर चले। बहुत सर्दी हो रही है, ओह माय गॉड। इससे भी तो हमारी दोस्ती हुई है। चलें जी गाइस, ओके अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सवान जाएंगे मालूम कलाम। अच्छा हाय, ये मेरी दोस्त बन गई। ओके जी गाइस, यस बे, तब हम चल रहे हैं वापस। मैं ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, इनका सवान मालूम जब आराम में मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। बाय।